ऐसा क्या किया सुष्मिता ने कि सोशल मीडिया पर हो गई ट्रोल, यहाँ तक कि अब तो बात एफआईआर तक आ गई है। इंस्टाग्राम में अभी सुष्मिता सिन्हा नाम की एक इंस्टाग्रामर हैं जो ट्रोल ब्रिगेड की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। सुष्मिता सिन्हा ने एक तस्वीर शेयर की जहां वह कथित रूप से टॉयलेट पेपर के रूप में हरतालिका तीज व्रत कथा का उपयोग कर रही हैं। यही नहीं, अपनी इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने हिंदी में एक वीडियो डाला जिसमें लिखा था, इस पुस्तिका के लिए अब मेरे पास कोई उपयोग नहीं है, इसलिए मैं इसे टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर के रूप में उपयोग करने के बारे में सोच रही हूँ। आपको क्या लगता है? अब सुष्मिता की इस हरकत के चलते उन्हें हिंदू त्योहार का अपमान करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि तीज भारत और नेपाल के कई हिस्सों में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक बड़ा त्यौहार है। सुष्मिता सिन्हा जिस बुकलेट के साथ दिख रही हैं, वह तीज के त्यौहार के लिए प्रयोग की जाने वाली हरतालिका तीज व्रत कथा है। एक ट्रोलर अरुण यादव ने सुष्मिता का वीडियो शेयर भी किया है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी की है। इस प्रकार से सुष्मिता को गिरफ्तार करने की मांग अब सब तरफ उठ रही है। आपको बता दें कि इसके पहले हाल ही में मुंबई की स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ भी ऐसे ही ट्रोल की गई थी जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। वहीं अग्रिमा ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से सिख माफी मांगने के लिए ट्विटर का सहारा लिया था। इसके बावजूद उन्हें सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकियां मिली थी जिसका बाद में पुलिस ने निराकरण किया था। खबर लिखे जाने तक सुष्मिता सिन्हा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट मोड पर कर दिया था। मालूम हो कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाली हीर खान उर्फ सना उर्फ परी खान को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ जिसमें उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। हीर एक यूट्यूबर है और ब्लैक डे 5 अगस्त नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। इस चैनल पर उसने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने माँ सीता के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें की और भद्दी भद्दी गालियां दी। अयोध्या के बारे में भी कहा गया था। वीडियो में हीर ने यह भी कहा कि उसे पुलिस का डर नहीं है क्योंकि वह पिछले 2 सालों से ऐसा कर रही है लेकिन अब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। नवभारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नवभारत मीडिया।